अमागनी साहब, फिर से हमारे रॉयल एंड चैनल पे आपका हार्दिक बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप हमेशा की तरह सब कुशल मंगल होंगे। और आज आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ डिफरेंट कलर जो कि दो पोशाक मिलेंगे आप इस वीडियो में, जो कि दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल और कलर वर्क हर साइड से सुंदर है। जो आपको फर्स्ट वाली पोशाक दिखाएंगे जिसमें सिक्वेंस वर्क है और सी ग्रीन है और मल्टी कलर का ओढ़ना है, ओढ़ना उसमें प्योर है। बाकी वो इस तरह की पोशाक है जो कि आप पार्टी वेयर में भी यूज ले सकते हैं और हेवी फंक्शन में भी यूज ले सकते हैं। बाकी कलर कॉम्बिनेशन दोनों पोशाक की बहुत खूबसूरत है। तो एक बार ओवरऑल वीडियो में एक बार पहले पोशाक देखते हैं, देख लीजिए, फिर बात करते हैं उसके कलर और वर्क की। तो आपने ओवरऑल वीडियो में आपने पोशाक देख ली होगी, जिस पोशाक की बात करें ये वाली पोशाक है। इसका आपको कलर बता देता हूँ, कलर इसका सी ग्रीन कलर में है जो कि एक आपको फिरोजी स्काई कलर की तरह नजर आएगा। और इसका कपड़ा जो विस्कोस साटन है लहंगा, और कुर्ती का फैब्रिक जो विस्कोस साटन है, और ना इसमें ठाकुर जी 20 ग्राम जॉर्जर जो प्योर बोलते हैं वही वाला प्योर है 100% जो 20 ग्राम जॉर्जर। इसमें जो वर्क किया गया है इसमें बारीक सीक्वेंस, जब सीक्वेंस जो हमें आप देखते हैं ना हर तरह की सीक्वेंस, एक मोटी सीक्वेंस आती है मगर इसमें बारीक सीक्वेंस किया गया और सीक्वेंस और अरी और इसमें जरी का ही वर्क किया गया और सीक्वेंस का इसमें बॉर्डर दिया गया, फिर बीच में इस तरह की बेल टाइप में देकर के ओढ़ने में पूरे में आप ये देखेंगे तो इस तरह बहुत ही ब्यूटीफुल और वर्क और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो मैं आपको इसका नेक वगैरह भी दिखा देता हूँ, नेक वगैरह किस तरह से बनाया हुआ है। नेक में आप देखेंगे तो इस तरह से वो जो आपने ओढ़ने का बॉर्डर आपको मैं बता रहा था उसी तरह से इसमें ओढ़ने के बॉर्डर में बनाया हुआ है और ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत नेक बनाया हुआ है। और कुर्ती में आप जो देखेंगे कुर्ती में नीचे यहाँ पे बॉर्डर दिया, बैक साइड में भी इतना ही वर्क आएगा, स्लीव के ऊपर भी इतना ही वर्क आएगा और यहाँ सामने देखेंगे तो कुर्ती में पूरे में जाल लुक दिया हुआ, जाकि आपकी कुर्ती जब भी पहने तो हेवी लुक देगी। अब आपको इसको दिखा देता हूँ लहंगा, लहंगे में जो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रॉड साइज में बॉर्डर है, ये इतना इस साइज में इसका हेवी बॉर्डर दिया गया है और फिर लहंगे में जो कलियां आ रही है कलियों में ये ट्रायंगल छड़ियां हैं और यहाँ पे बहुत देखेंगे पास में जूम करके देखेंगे तो इस तरह से पास पास में सीक्वेंस की बूटी का भराव दिया गया है लहंगे कुर्ती ओढ़ने में सभी जगह से। और बहुत ही मेरी जहां तक मेरा आइडिया बहुत ही ब्यूटीफुल पोशाक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। और ओढ़ने में आप यहाँ पे देखेंगे तो तीन कलर ना जाएंगे, नीचे यहाँ पे ऑरेंज आएगा, यहाँ पे मस्टर्ड येलो आएगा, फिर ऊपर ये सी ग्रीन फिरोजी कलर आएगा जो कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। जिन भाई साहब को ये पोशाक पसंद आ रही है, पोशाक आप हमें एज इट इज परचेज करना चाहे तो आप हमें स्क्रीन के ऊपर भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और जिन भाई साहब को लगता है कि मेरे को कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज भी हो जाएगा, बट उसके लिए आप हमेशा मैं कहता ही हूँ कि आपको 25 डेज का समय आपको देना ही पड़ेगा, जो भी आप कलर बताएंगे कस्टमाइजेशन बताएंगे उस कलर में बन जाएगी। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वाली पोशाक जो कि अपने आप बहुत ही खूबसूरत और लुकिंग में बहुत ही हेवी है, जिसका कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिस पोशाक में आपको बार बार तारीफ करा था वो वाली पोशाक ये है। ये वाली पोशाक में आप देखेंगे तो कलर इसका पहले देखेंगे तो कलर अपने आप में बहुत ही उठा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा मेरी तारीफ करने की बात में, आपको लग भी रहा होगा। डम्मी पे स्टिचेबल पोशाक दिखाई है मैंने ताकि पहनी हुई पोशाक आपको माइंड मेकअप हो जाए, स्टिच होने के बाद में पोशाक का गेटअप किस तरह से आता है जो आपको बता देता हूँ। इसका जो कलर है, जो पूरी पोशाक का कलर है, फेंटा कलर ऑरेंज जो अपने आप में बहुत खूबसूरत कलर है। और फिर इसके ऊपर जो वर्क किया गया है गोटा पत्ती वर्क है, ये ओल्ड टाइम में भी चल रहा था और आज भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, ट्रेडिशनल वर्क है ये यहाँ का जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और फिर ये देखेंगे आप ओढ़ना का आपको बता देता हूँ, ओढ़ने में इस तरह से बीजिया लिया हुआ है और बीच में यहाँ पे पेच लगाया हुआ है कॉटन का ताकि ओढ़ने में हेवी लुक आ जाए। और फिर यहाँ पे स्टोन देकर के इस तरह से बेल टाइप में दोनों साइड में बीजिया और फिर बीच में बेल और इस तरह से ओढ़ने में ब्यूटीफुल बॉर्डर और ब्यूटीफुल हेवी पोशाक है और कलर वर्क हर साइड से सुंदर है। अब आपको इसका नेक भी वगैरह दिखा, मैं पहले सॉरी आपको बताना भूल गया, आपका इसका कलर बता देता हूँ। कलर इसमें ओढ़ने में जो मल्टी कलर है यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड दिया हुआ है, ये पल्ले में यहाँ पे रेड आएगा, पल्ले पे इस तरह का बूटा आएगा, फिर रेड से ऊपर आप देखेंगे तो रानी आएगा और सिर के ऊपर जो अपने आप में देखेंगे तो फेंटा ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर जब भी आप सिर पर लेते हैं इसकी खासियत रेड की ऑरेंज की रानी की हमेशा ये रहती है, ब्राइट कलर सिर पर लेने से आप जब भी इस तरह की ओढ़नी पहनते हैं तो आपका
कलर ही कुछ अलग नजर आएगा, फील ही कुछ अलग रहेगी ब्राइट कलर की। और ओढ़ने में जो है इसमें मल्टी कलर है, उस तरह में आपको रेड रानी पिंक मैंने बताया दिया। यहाँ बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी रेड है, रानी है, और यहाँ पे फेंटा ऑरेंज है। पल्लू में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे रानी, यहाँ पे रेड आएगा। और बहुत ही खूबसूरत लग रही है कलर वर्क हर साइड से। और आपको इसका नेक वगैरह भी दिखा देता हूँ, नेक वगैरह भी बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ। और ये स्टिचेबल पोशाक है, जिन भाईसाहब को अगर लग रहा होगा स्टिच होने के बाद में कैसे लगेगी, तो आप ये पूरी स्टिच की भी पोशाक है, डमी पर पहना के दिखा रहा हूँ, स्टिच की भी पोशाक है। आपको पूरा माइंड ब्रेक हो जाएगा स्टिचिंग करने के बाद में पोशाक का गेटअप किस तरह से आ जाता है। स्टिचिंग होने के बाद इनके अंदर इसकी साइड में बैक साइड में कॉटन का अस्तर लग जाता है, आरी की मगजी लग जाती है। ये सब चीजें लगने के बाद में इसका लुक ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। और आपको अब इसका लहंगा का भी बता देता हूँ, लहंगे में नीचे इसमें किस तरह से वर्क किया गया है। लहंगे में यहाँ पे रानी कलर का बेच दिया हुआ है, और नीचे जो स्टिच होने के बाद में आरी की मगजी लग जाती है पूरी पोशाक में। और लहंगे में यहाँ पे जो आपको बता ही रहा हूँ रानी कलर का पेच दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर पूरे में एक गोल टाइप में राउंड इस तरह बूटी मतलब झाड़ देकर के पूरा लहंगे में पूरा हैवी वर्क किया हुआ है, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये वाली पोशाक भी आपको बहुत पसंद आई होगी। जिन भाई साहब जो बना या जो भी आप देख रहे हैं मैम, या जो भी आप देख रहे हैं जहीं से भी जहां से भी देख रहे हैं, जिन पोशाक ये पोशाक अगर एजिटिव परचेज करनी है तो आप हमें स्क्रीन पे संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। और जिन भाई साहब को लगता है कि नहीं मेरे को कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज के लिए हमेशा मैं रिपीट बताता हूं कि आपको 25 डेज का समय देना ही पड़ेगा। और जो भाई साहब अगर नजदीक या पास में, तो आप शॉप पे विजिट भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर यही बने रहिए, और आपको आने वाले टाइम में नई नई पोशाक नए नए कलर देखने को मिलेंगे। वैसे ही शादियों का दौर चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको जल्दी जल्दी नए नए कलर नए नए तरह की पोशाक देखने मिलेगी। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया था, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले ब्यूटीफुल पोशाक देखने को मिलेगी। और मुझे दीजिए इजाजत, जितना मेरे पास आज समय था मैंने आपको दिया। धन्यवाद।